एसपी के पूर्व नेता अमर सिंह की तबीयत खराब हो गई है। अमर सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें कि अमर सिंह की यहां पर तबीयत खराब हुई है और अमर सिंह पहले ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और उसके बाद बाहर उन्होंने ऑपरेशन करवाया था विदेश में और इस बार इनकी तबीयत खराब हुई है। तो इस वक्त दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है अमर सिंह को। उनको सीने में दर्द की शिकायत है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में इस वक्त भर्ती करा दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह जिन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी और इस शिकायत के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, भर्ती करा दिया गया है और डॉक्टर वहां पर उनका चेकअप कर रहे हैं, उनकी तबीयत पर खास निगाह रखी जा रही है। तो अमर सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है और इस बार उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें कि निजी अस्पताल में अमर सिंह को भर्ती कराया गया है। दिल्ली का फोर्टिस हॉस्पिटल है जहां अमर सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती करा दिया गया है। तो अमर सिंह जिनकी तबीयत यहां पर खराब है उन्हें भर्ती कराया गया है फोर्टिस हॉस्पिटल में क्योंकि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के ही फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी में जुड़े थे, हालांकि इस बीच अगर उनकी कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें तो जिस तरह से वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर नजर आए थे और कई मौकों पर वो नजर आए थे तो उसके बाद उनके वापसी के कयास भी लग रहे समाजवादी पार्टी में। फिलहाल इन सब सियासी बातों से इतर हम अगर बात करें, उनकी सेहत की बात करें तो उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई है और उसके बाद उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है।